ग्राम पंचायत का परिवर्तन अब नगर परिषद में हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ विकट समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है, जिसके चलते जनहित सामाजिक संगठन द्वारा सुरेश कालबांडे के नेतृत्व में 4 दिवसीय श्रृंखला अनशन किया गया। स्थानीय अधिकारियों के आश्वासन के बाद यह आंदोलन आज समाप्त हुआ। दरअसल डिगडोल क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पानी की समस्या मौजूद है, जिसके चलते स्थानीय जनता परेशान है। साथ ही साथ कई अपूर्ण कामकाज के चलते क्षेत्र का विकास थमा हुआ है। तो वही नागपुर इंगना राष्ट्रीय महामार्ग पर कई शैक्षणिक संस्थान है, जहाँ तेज रफ्तार वाहनों के कारण कई सड़क दुर्घटनाओं का खतरा मंडरा रहा है, जिसके चलते जनहित सामाजिक संगठन द्वारा बबन पड़ोले के नेतृत्व में तो पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुरेश कालबांडे के मार्गदर्शन में 4 दिवसीय श्रृंखला अनशन किया गया, जिसका जायजा लेते हुए हमारे संवाददाता ने आंदोलकों से चर्चा की। दर्शकों, हाल ही में नीलडो डिगडो ग्राम पंचायत जो है वो नगर परिषद में तब्दील हुई है, जिसके बाद की काफी जो समस्याएं हैं, समस्याएं लेकर सामाजिक संगठना यहाँ आंदोलन कर रही है, और उसी श्रृंखला में जनहित सामाजिक संगठना द्वारा एक आंदोलन किया गया था, जो कि साकड़ी उपोषण था, जिसे बोलते हैं साकड़ी अनशन, इनके द्वारा किया गया था। तो आइए जानते हैं आखिर क्या मुद्दे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बबन पडोड़े और सुरेश कालबांडे, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर और किन समस्याओं को लेकर ये जो आंदोलन है किया गया था। इस वक्त हमारे साथ सुरेश कालबांडे मौजूद है, तो हमें बताइए कि किस मुद्दे को लेकर ये आंदोलन किया गया था और आखिर क्या असल में समस्याएं थी। मैं सुरेश कालबांडे बोल रहा हूँ। दरअसल ऐसा है कि ये हमारा डिगडो नीलडो ये बहुत बड़ी लोकसंख्या का गाँव है, करीबन टोटल गाँव दोनों मिला के 1.5 लाख लोकसंख्या है, और ये औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे कई महाराष्ट्र से देशों में से लोग यहाँ आते हैं, और बढ़ती लोकसंख्या का गांव है, और यहाँ पर कई सालों से पीने के पानी का बहुत पानी की टंचाई का प्रॉब्लम्स है। उस विषय को लेकर हमारे क्षेत्र के विधायक है जो समीर जी मेघे, जब इनको ये सारी चीज़ें हमने बताया तो उन्होंने हमारे बातों को ध्यान देकर 44 कोटी की योजनाएँ चालू की, मंजूर किए 18-19 को, और 2019 को भूमि पूजन हुआ, काम चालू हुआ। लेकिन पिछले जब बीच में कोरोना पीरियड गया, बाद में फिर काम स्टार्ट हुआ, लेकिन पिछले 6-7 महीने से हमको ऐसा दिखा कि वहाँ पे काम में इतनी मंदी थी, गति कुछ भी नहीं थी, काम ही नहीं कर रहे थे ये लोग। और हम ये चाहते थे कि इस साल जो हर साल दुकाल में हमको यहाँ पे फेस करना पड़ता है, लोगों को बाहर से पानी लाना पड़ता है, तो इस साल वह नल योजना चालू हो जाना चाहिए। इस माध्यम से हमने जनहित सामाजिक संगठन के तरफ से आंदोलन को 20 तारीख से हमने आंदोलन किए। जैसा कि पता है और सभी जानते हैं कि जो है डिगडो नीलडो ग्राम पंचायत में आपके सरपंच थे, तो अभी तक ये समस्या क्यों नहीं उठाई गई, ये सबसे बड़ा सवाल उपस्थित होता है। जब हमारी ग्राम पंचायत थी तो कम से कम कितना तो भी काम आगे हुआ। ये तो अधिकारी लोग जब शासन ने जब योजनाएं मंजूर की, जब जवाबदारी रहती है महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण वो डिपार्टमेंट की और कॉन्ट्रैक्टर की, उनको बताया गया कि आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आप उसको काम करो। जब हमारी ग्राम पंचायत थी तो हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से हमने काफ़ी पाठ पूरा करके कम से कम 70-80% तो काम तो भी हुआ। अगर हम पाठ पूरा नहीं करते तो शायद एक योजना अभी तक बनी ही नहीं होती, तो हमने काफ़ी पाठ पूरा किया, इसलिए इतना काम हुआ। देखा जाए तो शासन और प्रशासन को साथ में लेकर जो है ग्राम पंचायत का और किसी भी गांव का काम होता है, तो एक बार आपके जो यहां देखा जाए तो आपके विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आप ही के पार्टी के विधायक है, आपकी दिल्ली से गली तक सरकार है, फिर भी ये जो है ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है छोटे से तबके में? ये जो बराबर आपकी बात, ये जो उत्पन्न इसलिए हो रही है कि ये जो योजना है इसके अंदर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, 50% स्टेट गवर्नमेंट का पैसा है, लेकिन शासन ने, केंद्र शासन ने, राज्य शासन ने ये जवाबदारी सैंक्शन किया, उन्होंने उनकी जवाबदारी दिया, लेकिन जो प्रशासन है, अधिकारी वर्ग है, कुछ कुछ सिस्टम के अंदर कुछ ऐसे अधिकारी वर्ग है कि वो शासन को बदनाम करते, ढंग से काम नहीं करते, इसके कारण शासन बदनाम हो रही है, जबकि प्रशासन का काम है, उनका काम है कि जब हमारी जवाबदारी है डिपार्टमेंट की तो उन्होंने काम करना चाहिए। और हमने बार बार जब भी हमने हमारे जब हमारी सत्ता थी हमने बोले, इसलिए इतना काम तो भी हुआ, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे अधिकारी को चलते हुए अगर ऐसा रहा तो ठीक नहीं है।
जो जो जवाबदारी उन्होंने अपनी जवाबदारी से काम करना चाहिए। शासन ने तो हमारे शासन ने मंजूर किया, यहाँ तक काम किया, हमने पाठ पुरावा किया तो हमारी बात सुनी गई, कल भी सुनी गई। हमारे आमदार साहब ने जो उसके अंदर उठाकर लेके उन अधिकारियों को यहाँ आए, उन्होंने भी बात की, हमने भी बात की, इसलिए काम को शासन का तो हमको तो बेनिफिट मिल ही रहा है, उनकी तो मदद हो ही रही, लेकिन अधिकारी का काम है ना, उनकी जवाबदारी, उन्होंने काम ढंग से करना चाहिए। जैसा कि देख पा रहे हैं, आपने कल आंदोलन किया और आपने कल तक जो है आंदोलन किया, ठीक है, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया आई है? कोई अधिकारी आए यहाँ, किसी ने बात की, साथ ही साथ आपके विधायक की क्या इसमें प्रतिक्रिया थी? जब हमने आंदोलन किए तब हमने हमारे विधायक को बताए थे कि हमारी जनी सामाजिक संगठन है कि जिस तौर पर हम आंदोलन करने वाले, तो बोले ठीक है। उसके बाद में उनको उनके ध्यान में रहते हुए हमने आंदोलन चालू किया। हमारे आंदोलन पीने का पानी का था और एक जो हिंगना रोड का जो रास्ता है, इतने गति से यहाँ पे ट्रैफिक चलती है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, ये दो महीने के अंदर काफ़ी यहाँ पे एक्सीडेंट हुए, 20-25 एक्सीडेंट दो तीन महीने में, कई लोगों की जीव हानि हुई, कोई परिवार डिस्टर्ब हो गए। तो ये सारी चीज़ों को लेके हमने राष्ट्रीय महामार्ग नेशनल हाईवे रोड वालों को भी बताया कि कम से कम यहाँ पे आप ब्रेकर भी लगाओ, और पानी का मेन मुद्दा हमारा पानी का था। तो वो आंदोलन को देखते हुए कल यहाँ पे महाराष्ट्र यूनियन प्राधिकरण के जो मेन है वहाँ के मुख्य कार्यकारी अभियंता वो बुर्डे साहब, वो अपनी टीम को लेके शाम को आए। उन्होंने हमारी समस्या को समझ लिए, हमने उनको बताया कि साहब ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन के लिए नहीं है, काम होना चाहिए, आप अधिकारी लोग काम नहीं कर रहे इसलिए हमको यहाँ बैठना पड़ा। आमदार साहब ने भी उनको बताया कि इनका काम होना चाहिए, फिर हमने उनको बताया क्योंकि यहाँ का हमको स्टडी है पूरी कि कितना काम बचा हुआ है, तो हमने वो सारे पॉइंट 1-6 तक जो पॉइंट इसमें लिखे हुए पर्सनल 1-1 पॉइंट की हमने डिस्कशन किया। फिर उन्होंने सारा ऑल ओवर बताया कि 31 दिसंबर 2023 तक तुम्हारा काम हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। मैंने उनको वो भी बोला अगर आप नहीं करोगे तो 1 जनवरी 2024 से और हम मिशन चालू करेंगे। सियासी परिप्रेक्ष्य में ये भी आरोप लगाया जा रहे हैं और कथित तौर पर लगाए भी जाएंगे कि ये पॉलिटिकल स्टंट आपका है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमारा इसके अंदर कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, हमारा पॉलिटिकल स्टंट बिल्कुल नहीं है। हमारा गांव लेवल पे हम लोग जब इस गांव में हम रहते हैं, लोगों ने हमको चुन के दिए, लोगों का हम पक्ष के पदाधिकारी है, हम लोगों के प्रतिनिधि है, जब लोगों की जवाबदारी हमारे पे तो हमारा फर्ज बनता ही है। हम पॉलिटिकल स्टंट के हिसाब से हम कोई काम नहीं करते, वो पॉलिटिकल स्टंट पक्ष के प्रोग्राम में होता है, हमारा सामाजिक दायित्व है, सामाजिक दायित्व को कोई भी पॉलिटिकल स्टंट नहीं होता है, कोई हम संगठन का वो विषय नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल के माध्यम से हम काम करते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल स्टंट नहीं है हमारा। हमारा काम है हमके हमारे गाँव के लोगों का जो विश्वास है हमारे पे कि ये लोग प्रतिनिधि है, इन्होंने ये सारी चीजें करना चाहिए, इसलिए हम लड़के इस साल हमारे यहाँ के गाँव के हर आदमी को पीने का पानी मिलना चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। दर्शकों, जिस प्रकार से जनहित सामाजिक संगठना डिगडो द्वारा 4 दिन का श्रृंखला उपोषण पिछले 4 दिनों में किया गया है, जहां की सुरेश कालवांडे ने हमें बताया कि यहां जो है संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे, संबंधित अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन भी दिया, तो देखते हैं आगे इसका क्या असर होता है और आखिर किस प्रकार से फलश्रुत ये जो है ये अनशन आंदोलन होता है और आगे क्या कदम लेती है जनहित ये जो है संगठना। इसी के साथ कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं मनीष टेमरे, NBC News के लिए नागपुर। We'll be right back.